सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्या आपका बजट है 15,000 का और आपको एक बहुत ही कमाल का एंड्रॉइड स्मार्टफोन परचेस करना है, तो आप सभी के मन में एक क्वेश्चन तो जरूर होगा कि भाई जो 27 तारीख को सैमसंग गैलेक्सी M30 लॉन्च हो रहा है उसे परचेस करे, या फिर अगले दिन 28 फरवरी को रेडमी नोट 7 लॉन्च होने वाला है भाई उसे परचेस करे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कंपैरिजन वीडियो आप लोगों को एक्जैक्टली मैं बता दूं फुल कंपैरिजन करके कि भाई कौन से यूजर लोग के लिए कौन सा डिवाइस बेटर रहने वाले, M30 को परचेस करे या रेडमी नोट 7 को परचेस करे। उसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक, ये वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, आई होप कि यहां पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कभी लॉन्च होने वाला है, कहां पर मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं M30 के बारे में। तो M30 27 फरवरी को लॉन्च होने वाला है, Amazon एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, Amazon पे इसका टीजर आ चुका है, Amazon पे आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर हम बात करते हैं Redmi Note 7 की, तो यहां पर ये 28 फरवरी को लॉन्च होने वाला है इंडिया में, कुछ दिनों बाद आपको फ्लैश सेल में फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेगा। तो सैमसंग का डिवाइस आपको Amazon पे मिलेगा, Xiaomi का डिवाइस आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगा। अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, फुल कंपैरिजन में आपको करके बताऊंगा, साथ में ये भी बताने वाला हूं 3, 6 से 7 या आप बोल सकते हो 8 पॉइंट में हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि परफॉर्मेंस हो गया, डिस्प्ले हो गया, बैटरी लाइफ हो गई, सेंसर्स हो गया, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखेगा तो जरूर आप लोगों के लिए ये हेल्प रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं यहां पर कंपैरिजन की, तो स्टार्ट करते हैं हम यहां पर बिल्ड और डिजाइन से। सैमसंग M30 की बात करें तो अगेन आपको यहां पर पॉलीकार्बोनेट वाली बॉडी देखने को मिल जाती है, ग्लॉसी टाइप का है, दिखने में ठीक ठाक सा दिख जाता है, लेकिन इतना कुछ खास काम नहीं करा गया है। जबकि अगर हम बात करते हैं Redmi Note 7 की, तो यहां पर अगेन आपको फ्रंट में और बैक में ग्लास देखने को मिल जाता है। साथ में अगर हम बात करते हैं फिनिशिंग की, तो यहां पर आपको बैक में ग्रेडिएंट कलर, डुअल कलर टाइप का आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो सीधे सीधे अगर हम बात करते हैं लुक्स एंड डिजाइन किसका बेटर रहने वाला है, तो वो आपको ये राउंड जो है वो लेके जाता है यहां पर Xiaomi Redmi Note 7। बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के डिस्प्ले की, तो दोनों में आपको वाटर ड्रॉप नॉच टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो टाइप देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो सैमसंग का डिस्प्ले आपको 6.4 इंच का मिलता है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको ये बार सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। साथ में आप असाही ड्रैगन टेल ग्लास की यहाँ पर प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। जबकि Redmi Note 7 के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है, ये एक IPS पैनल है, फुल HD+ रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, Gorilla Glass 5 की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है। बस सीधे सीधे अगर बात करें भाई डिस्प्ले किसका बेटर रहने वाला है, नो डाउट यार एमोलेड डिस्प्ले काफी जबरदस्त रहता है एज कम्पेयर टू IPS डिस्प्ले से। तो ये राउंड में सीधा सीधा देना चाहूंगा सैमसंग के लिए। ऐसा नहीं है कि Redmi Note 7 का डिस्प्ले बेकार रहेगा, उसका भी अपने हिसाब से काफी वाइब्रेंट और पंची डिस्प्ले है, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं एमोलेड से ना, तो एमोलेड है और वो सैमसंग का एमोलेड है, तो यार सैमसंग का डिस्प्ले आप सभी को पता है कितना जबरदस्त रहता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों ही फोन के रैम और स्टोरेज की, तो स्टोरेज और रैम आपको 4GB, 3GB, 6GB सारी चीजें तो देखने को मिल जाएगी, लेकिन मेन चीज मुझे आपको ये बताना है, सैमसंग में आपको डुअल सिम प्लस डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, जबकि Redmi Note 7 में आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो ये राउंड भी यहाँ पर लेके जाता है सैमसंग गैलेक्सी M30। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर सैमसंग में बताया जा रहा है अगेन आपको Exynos का 7904 की देखने को मिलेगा, जबकि अगर हम बात करते हैं Redmi Note 7 की, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है अगेन 660 देखने को मिलेगा। तो सीधा सीधा टाइम को ना वेस्ट करते हुए आपको बताऊं, अगर ये दोनों ही प्रोसेसर के साथ में आता है, तो डेफिनेटली 660 विल बी अ बेटर एज वेल एज पावरफुल भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू 7904 से। तो अगर परफॉर्मेंस अगर आपके हाइएस्ट प्रायोरिटीज है, गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हो, तो अब आप जा सकते हो यहाँ पर Redmi Note 7 के साथ में एज कम्पेयर टू सैमसंग M30 से। अगर हम बात करते हैं यहां पर दोनों फोन के कैमरास के बारे में, तो M30 के बारे में बात करें, तो यहां पर आपको बैक में ये बार ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि चीपेस्ट फोन रह सकता है 3 कैमरे के साथ में, क्योंकि यहां पर आपको जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको वाइड एंगल लेंस वाला 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो तीसरा कैमरा है आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग वाला देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं Redmi Note 7 की, तो यहां पर जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। हां, 12 मेगापिक्सल का एक्चुअल कैमरा है, लेकिन पिक्सल बिनिंग की मदद से 48 मेगापिक्सल तक के यहां पर रो मोड में इमेजेस ले सकता है। सेकेंडरी कैमरा जो आपको 5 मेगापिक्सल का यहां पर डेप्थ सेंसिंग के लिए देखने को मिल जाएगा। सीधा सीधा रियर कैमरे की अगर हम बात करें, तो यहां पर हैंड्स डाउन यहां पर Redmi Note 7 का जो डिटेलिंग है, वो सारी चीजें है वो बेटर रहने वाली है एज कम्पेयर टू M30 से, क्योंकि जो M30 में जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको M20 वाला ही देखने को मिलने वाला है। तो कैमरा अगर आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटीज है, तो डेफिनेटली यू कैन गो विथ Redmi Note 7। सेल्फी कैमरे के बारे में बात करें, तो यहां पर आपको सैमसंग के फोन में बताया जा रहा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जबकि Redmi Note 7 में आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरे के बारे में यार इतना आप बोल सकते हो दोनों का ही कंपटीशन बहुत ही हाई रहने वाला है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, दोनों के जो फिजिकल
हाथ में लेके जो कंपैरिजन है वो भी मैं आपको यहाँ पर पूरा कैमरा कंपैरिजन वगैरह के साथ में बताने वाला हूँ। उसके लिए आप अगर वेट कर सकते हो तो भाई वेट कर लो, जरूर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के एंड्रॉइड वर्जन और डिवाइस की, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है दोनों में आपको पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। सैमसंग का डिवाइस यहाँ पर एक्सपीरियंस यूआई पे चलने वाला है, जबकि अगर हम बात करते हैं शाओमी के फोन की तब सभी को पता ही है MIUI 10 पे रन करता है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सैमसंग का यूआई पसंद है क्या MIUI पसंद है। बाकी आपका फेवरेट यूआई कौन सा है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के सेंसर्स के बारे में, तो दोनों में आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिलता है, और दोनों में आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर M30 में आपको मैसिव 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, और फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 7 की, तो यहाँ पर बताया जा रहा आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, टाइप सी का पोर्ट भी मिलेगा, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है, लेकिन बताया जा रहा है बॉक्स में फास्ट चार्जर नहीं है, आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो हैंड्स डाउन यहाँ पर विनर रहने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M30। तो बस ये था यहाँ पर दोनों फोन का फुल कंपैरिजन। अब आप सोचोगे कि भाई यहाँ पर कंपैरिजन तो हो गया, लेकिन भाई हमारे लिए कौन सा डिवाइस बेटर है और दोनों में से कौन सा डिवाइस बेटर है। तो सीधा सीधा तो अगर मैं आपको बताऊँ तो कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है एक डिवाइस बहुत बेकार है, दोनों ही अपनी जगह पे काफी बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। लेकिन कौन से यूजर लोग के लिए कौन सा डिवाइस है वो मेन यहाँ पर बात आती है। मैं आपको सीधा सीधा अगर बताऊँ कि भाई M30 कौन से यूजर लोग के लिए है, भाई अगर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले पसंद है, आपको डिस्प्ले बहुत ज्यादा बढ़िया चाहिए, कलर पंची चाहिए, तब आप M30 ले सकते हो। डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड के आपको रिक्वायरमेंट है, 3 कार्ड स्लॉट आपको चाहिए तब आप ले सकते हो। बैटरी लाइफ आपको यहाँ पर आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटीज है, मतलब बैटरी लाइफ आपको 1.5 से 2 दिन का चाहिए तब यहाँ पर आप M30 को देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं Redmi Note 7 किन लोगों के लिए है, भाई अगर आपको लुक्स एंड डिजाइन काफी बढ़िया चाहिए, बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम चाहिए तब आप देख सकते हो। परफॉर्मेंस अगर आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटीज है तब आप Redmi Note 7 को देख सकते हो, एज वेल एज अगर आपको बेटर कैमरा परफॉर्मेंस चाहिए तब आप यहाँ पर Redmi Note 7 को देख सकते हो। तो गाइस आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया और आपको पता लग गया रहेगा कि भाई कौन सा डिवाइस आप लोगों के लिए बेटर है। अगर लग गया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भाई दोनों डिवाइस में से आप कौन सा डिवाइस फेवरेट है, आप भी दोनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस को लेना पसंद करोगे। आई होप कि मित्रों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।